हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन टेलीविजन के एक ऐसे चैनल के बारे में जिसके शोज को इंडियन यूथ के द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। इसमें आने वाले कंटेस्टेंट को सोशल मीडिया पर लाखों की तादाद में फॉलो भी किया जाता है। लेकिन जब यही कंटेस्टेंट किसी बड़े चैनल पर किसी बड़े शो का हिस्सा बनते हैं तो लोग इनके लिए भद्दे कमेंट करते हैं। आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो MTV इंडिया का नंबर वन यूथ चैनल माना जाता है। आयुष्मान खुराना से लेकर प्रिंस नरूला जैसे बड़े स्टार हमें MTV से ही मिले हैं। लेकिन आज भी जब किसी MTV स्टार को बड़े प्लेटफॉर्म पर जाने का मौका मिलता है तो लोगों के द्वारा भद्दे कमेंट देखने को मिलते हैं। लोग उन्हें बोलते हैं ये स्प्लिट्सविला वाले और ये रोडीज वाले को क्यों बुलाया गया है। कलर्स TV शुरू से ही अपने रियलिटी शो बिग बॉस में MTV पर्सनालिटी को एज ए कंटेस्टेंट बुलाते आ रहे हैं और प्रिंस नरूला बानी से सुरवी राणा पारस छाबरा जैसे कंटेस्टेंट ने आकर अच्छी खासी पॉपुलैरिटी भी पाई। लेकिन अब भी बिग बॉस के सीजन 13 में जब मायशा अय्यर को बुलाया गया तो TV क्रिटिक्स तक ने बोला कि मायशा कौन है, ये यहाँ क्या कर रही है। तो वहीं बिग बॉस के मराठी सीजन में स्प्लिट्सविला X3 के विनर जय दुधाने नजर आए तो लोगों के द्वारा कहा गया अब रीजनल शोज में भी स्प्लिट्सविला वाले आने लगे। दोस्तों, हमारा सिर्फ एक ही सवाल है, क्या स्प्लिट्सविला और रोडीज करने के बाद इन कंटेस्टेंट को आगे बड़े चैनल पर और बड़े शोज में काम करने का अधिकार नहीं रहता? क्यों सोशल मीडिया पर बड़ी फैन फॉलोइंग होने के बाद इनको सेलिब्रिटी का दर्जा नहीं दिया जाता? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।